हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष। तो वेलकम टू माय क्लास। तो भाई आज की वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का बहुत ही प्यारा चैप्टर वो पढ़ने वाले हैं मजे के साथ, बिल्कुल एंजॉयमेंट के साथ। तो आज की वीडियो में बने रहना और आज हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी और फिर इसके बाद एक टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्जेस वो करेंगे, बाकी आगे की वीडियोज मिलती रहेंगी आपको। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या समझते हैं, so what we mean by electricity and what you do mean by electricity. So देखो electricity क्या है, electricity is a form of energy which can run our electrical appliances, which can run our all electrical appliances. मतलब क्या है, electricity energy की वो form है, एक energy की ऐसी form है जो कि हमारे electrical appliances को run कर सकती है, चला सकती है। अब सर ये तो समझ में आ गया कि electricity एक energy है जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चला सकती है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ही है क्या? तो आपको यहाँ पे ना रोशनी दिख रही होगी, मेरे चारों तरफ बोर्ड पे रोशनी दिख रही होगी। तो ये क्या है, किसकी वजह से? एक बल्ब लगा हुआ है उसकी वजह से ये रोशनी है। वो बल्ब किसकी वजह से जल रहा है? इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो बल्ब जल रहा है। अब वो बल्ब जल रहा है इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उसको दी जा रही है, इसलिए वो एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी जो कि एक एनर्जी है उसकी मदद से वो चल रहा है, तो वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, उसकी मदद से वो रन कर रहा है। बहुत सारे एग्जांपल है, फैन हो गया, आपका हीटर हो गया, आपका इलेक्ट्रिक केटल हो गया, बहुत कुछ, सब कुछ जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है वो एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है। ठीक है, तो ये तो हो गई इलेक्ट्रिसिटी। अब भाई ये तो समझ में आ गया इलेक्ट्रिसिटी क्या है, लेकिन इस इलेक्ट्रिसिटी में वो चीज क्या है जिसकी वजह से ये हो रहा है, ये एनर्जी की जो फॉर्म है वो है क्या? तो वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, तो आपने मैग्नेट देखा होगा, आप दो मैग्नेट्स हो ना, एक मैग्नेट ये है हमारा, एक मैग्नेट ये है। आप मैग्नेट्स को आपने कभी हैंड में भी लिया हुआ, तो दो मैग्नेट्स को आप साथ में रखते हो ना, तो क्या होता है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये वाला इसको अट्रैक्ट करता है, ये वाला इसको अट्रैक्ट करता है। लेकिन हमको क्या चीज होता है, इनके ना पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जब ये नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे के, इनका जो फेस है वो एक दूसरे के सामने होता है ना, तभी क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। और अगर नॉर्थ यहाँ पे साउथ होता, मान लीजिए यहाँ पे साउथ और यहाँ पे हमारा नॉर्थ होता, तो क्या होता, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते। अब वही अट्रैक्शन अगर आपने इसमें समझ ली ना, वही सेम टू सेम अट्रैक्शन हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस के अंदर होती है। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस किसी भी बॉडी की ना वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक फोर्सेस को क्या कर पा रहा है, एक्सपीरियंस कर पा रहा है। ठीक है, वो देख पा रहा है इलेक्ट्रिक फोर्सेस को। अब यहाँ पे जो मैग्नेट्स थे, ये क्या कर पा रहे थे, दोनों मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे थे एक दोनों। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी बॉडी की वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि क्या करती हैं, एक्सपीरियंस करती हैं इलेक्ट्रिक फोर्सेस को। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या, जैसे मैग्नेटिक फोर्सेस थी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, इसी तरह इलेक्ट्रिक भी फोर्सेस होती है। अब देखो इलेक्ट्रिक फोर्सेस, तो अब मैग्नेटिक फोर्सेस में पढ़ा कि भाई नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल से अट्रैक्ट होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो जो चार्ज है ना वो टू टाइप्स का होता है। ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है जो हमारा, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू विच एनी बॉडी कैन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो ये क्या है ना, टू टाइप्स का है। वो टू टाइप्स कौन से हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अभी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये वही नॉर्थ और साउथ पोल वाला काम कर रहे हैं। जब पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस का फेस एक दूसरे के सामने होगा वो रिपेल करेंगे, लेकिन जब पॉजिटिव और नेगेटिव का फेस एक दूसरे के सामने होगा तो वो एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना, ये क्या है, उन्हीं नॉर्थ और साउथ पोल की तरह है और ये एक दूसरे को रिपेल और अट्रैक्ट करते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। अब देखो जो बात है ना, फ्लो क्या करता है, भाई वायर में बॉडी है जो उसमें फ्लो क्या करता है, तो जो पॉजिटिव चार्ज हमने पढ़ा था ये नहीं करता फ्लो, जो नेगेटिव चार्ज है यानी कि जिसको हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, हमने आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो है नेगेटिवली चार्ज, वो फ्लो करता है एक वायर के अंदर से। अब वो वायर के अंदर से फ्लो कर रहा है ना, तो पहले तो आपको बता दूं कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना फोर्स हो जाता है। तो एक जो इलेक्ट्रॉन है ना,
चार्ज जो हमारा है, पहले तो इसके बाद बताता हूँ आप लोगों को, चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है ना वो होती है कूलम। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम, यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, चार्ज होता है। जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक, जो नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और उन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या होता है, चार्ज। और वो चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम। एसआई यूनिट क्या होता है, तो देखो जो हमारा लगा लीजिए आप किसी लेंथ को मेजर कर रहे हो, डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो, तो उसके लिए हम लगाते हैं ना मीटर, उसके बाद में कि 10 मीटर आज मैं चला, आज मैं 20 मीटर चला, तो वो एसआई यूनिट होती है इसकी डिस्टेंस की। तो उसी तरह जो चार्ज है ना उसकी एसआई यूनिट हमारे पास क्या है, कूलम। अब चार्ज को हम शो रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जो हमारा क्यों होता है, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू, इन दोनों से हम क्या करते हैं, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं क्यों, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू से। और इसकी एसआई यूनिट होगी वन कूलम। ठीक है, वन कूलम नहीं कूलम। अब एक चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है जो कि कूलम की उसमें डिफाइन किया जाता है। अब वन कूलम चार्ज अगर इकट्ठा हो जाए, बताऊं आपको वन कूलम चार्ज कब इकट्ठा हुआ, तो देखो अगर वन कूलम चार्ज इकट्ठा हो जाए, यानी अगर चार्ज वन कूलम है तो वो 1 मीटर दूर रखे, 1 मीटर दूर रखे वन कूलम चार्ज के ऊपर, एक इधर वन कूलम चार्ज है, उधर वन कूलम चार्ज है, 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स शो करवा रहा हूं आप लोगों को। तो वन कूलम चार्ज 1 मीटर जब दूर रखा है वन कूलम चार्ज से, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी, 9×10⁻⁹ न्यूटन। तो ये चार्ज है, ये 9×10⁻⁹ न्यूटन फोर्स इसके ऊपर एग्जर्ट करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट और रिपेल करने में। ठीक है, रिपेल तो ये करेगा नहीं, क्योंकि भाई वैसे रिपेल ही करेगा ये, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है। ठीक है, अगर नेगेटिव पॉजिटिव होते वो होता, ये दोनों अट्रैक्ट करते। अब क्या है, ये दोनों मतलब समझने का मतलब ये है कि ये जो है ना ये इस पे इतना न्यूटन फोर्स एग्जर्ट करता है। ठीक है, अब भैया हमको एक बात बताओ, हमें कह दिया कि एक इलेक्ट्रॉन है चार्ज निकालो, दो इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी के अंदर, दो इलेक्ट्रॉन है तो कितना चार्ज होगा वो निकालो, तो क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास एक ना चीज होती है कि एक इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना उसके अंदर कितना चार्ज होता है, उसके अंदर होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। ये चार्ज होता है किसके अंदर, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, तो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर इतना चार्ज होता है। अब वो कह रहे हैं भाई दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालो, तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 3.2×10⁻¹⁹ कूलम चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे ही हमको आगे निकालते रहना है। अब देखिए ये जो कूलम है ना, ये वन कूलम चार्ज कब बनेगा भाई, ये वन कूलम चार्ज कब बनेगा, कैसे निकालें, तो आपको बता देता हूं मैं सिंपली कि जब ऐसे ऐसे 6.25×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स जब इकट्ठे हो जाएंगे ना, इतने इलेक्ट्रॉन्स जब इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, जब इतने इलेक्ट्रॉन्स, देखिए यहाँ पे माइनस था यहाँ पे पॉजिटिव, ये ध्यान दीजिए आप, तो यहाँ पे जब इतने इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो क्या होगा, उसकी वजह से इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज वन कूलम चार्ज के इक्वल है। तो लगा लीजिए, समझ लीजिए कि वन कूलम चार्ज कितनी बड़ी क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे उन्होंने निकाल लिया, अगर वो कुछ क्या भैया इसका फॉर्मूला है, कोई चार्ज का कोई फॉर्मूला है, तो क्यों ये जो क्यों है भैया, ये किसी के इक्वल है क्या, हाँ जी बिल्कुल है, एन ई के, क्यों क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर टोटल चार्ज। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ई क्या है, ये वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो ई है इलेक्ट्रॉन का, वन इलेक्ट्रॉन का, वन इलेक्ट्रॉन्स चार्ज। राइटिंग थोड़ी रफ आ रही होगी, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में सुना, तो ये है वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, अब क्या करना होगा हमको, अगर हमको टोटल चार्ज निकालना है कि भाई ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इसके अंदर, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनका चार्ज निकालो, बताओ इस बॉडी का कितना चार्ज होगा। तो हम क्या करेंगे, इस एन को ले लेंगे भाई 6, एन होगा 6, ये हमारे पास ये है, इन दोनों की कर देंगे मल्टीप्लाई, 6×1.6×10⁻¹⁹ कूलम, तो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा एक क्यू के इक्वल, तो वो हो जाएगा टोटल चार्ज ऑफ दैट बॉडी। तो ऐसे ही वो हमको क्यों दे सकता, कई बार
इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता ही होता है, ये हमको पता है वो या तो ये देगा या ये देगा। इनमें से अगर ये देगा तो कह देगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, ये दे देगा तो कह देगा टोटल चार्ज निकालो। तो ऐसे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक चार्ज आई हो आपको समझ में आ गया। फिर से आपको एक बार थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन करा दूं कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन रन अवर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जो कि हमारे बिजली से चलने वाले उपकरणों को चला सकती है, जो कि फैन लगा लो, बल्ब लगा लो, और कुछ भी लगा सकते हो आप। एग्जाम्पल के तौर पर आपके घर में हर वो चीज़ होगी, रेफ्रिजरेटर लगा लो, कुछ भी, कूलर लगा लो, आप गर्मी में चलाते हो तो कुछ भी होगा तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी से चलाओगे, और वही इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है जो कि उनको चलाती है। फिर हम आए इलेक्ट्रिक चार्ज पे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है उस एक बॉडी की जो कि उसको जो जिसकी वजह से वो एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फोर्सेस को, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। जो भी मैंने आपको बताया कि एक कूलम्ब चार्ज क्या करता है, 9×10⁻⁹ फोर्स एग्जर्ट करता है दूसरे कूलम, एक कूलम चार्ज पे जो कि 1 मीटर दूर रखा हो। इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट क्यू है, कूलम है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यों से, फॉर्मूला है क्यों निकालने का, एनी एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन क्या है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। और हमें अगर पता करना चाहिए कि 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स को मिला के होगा, तो 6.25×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन जो मिल जाएंगे, उनका चार्ज जब मिल जाएगा तो 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।